हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। फिर से मैं आप लोग के लिए एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालों को इस तरीके से ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे, या फिर आप चाहो तो मिडिल पार्टीशन यानी कि बीच की मांग निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बीच की मांग निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने साड़ी डाली हुई है। बीच की मांग निकालने के बाद से आपको साइड से इस तरीके से हल्का हल्का सा ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट को कुछ इस तरीके से करते जाना है एंड तक, जहां तक कि आपकी पोनी बनती है, लो पोनी टेल वहां पे इस तरीके से बनाना है। ओके, और यहाँ पे एक क्लिप लगा देते हैं, क्लिप यानी कि बॉबी क्लिप। ओके, अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। ओके, अब ये जो हमने बनाया था दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे एंड रबर बैंड लगा देंगे। तो पहले इधर का हम लोग अच्छे से इसको सिक्योर कर लेते हैं क्योंकि ये खुल सकता है, क्योंकि इस साइड का मेरा खुल गया। यहाँ पे पहले मैं अच्छे से क्लिप को लगा दूंगी ताकि ये खुले नहीं। ओके, अब इसको दोबारा से बना लेंगे। थोड़ा आगे से बनाइएगा ताकि अच्छा लुक आए। ओके, अब सारे हेयर को एक साथ ले लेंगे और एक रबर बैंड लगा लेंगे। रबर बैंड लगाने के बाद आप चाहो तो ये वाली जो क्लिप थी उसको निकाल दीजिएगा। ओके, और इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। तो इस तरीके का लुक दिख रहा है दोनों साइड से आपको। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा हेयर को ऊपर की तरफ खींचेंगे जिससे कि हमारे क्राउन एरिया का जो हेयर है वो ज्यादा फ्लैट ना दिखे। और इसके बाद अगर आपको इसी में सेकेंड हेयर स्टाइल करना है, अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से हेयर को थोड़ा सा लूज करना है और सारे पोनी के हेयर को नीचे की तरफ से खींच लेना है। खींचने के बाद इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से आपको इसमें सिंपल सी एक चोटी बनानी है। ओके, चोटी को एंड तक गूथ लीजिएगा। इसको गूथने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक पतले वाले रबड़ बैंड की। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं रबड़ बैंड लगा दी एकदम एंड पार्ट पे। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे और ये हमारा छोटे बालों में काफी सुंदर सा बन बन के रेडी हो जाएगा। इसको डेकोरेट करने के लिए आप थोड़ा सा कोई, जैसे आपके पास हेयर डेकोरेटिंग पिन वगैरह है तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा, काफी अच्छा लुक आ जाएगा उससे। या फिर आप फ्लावर वाले यूपिंस भी ट्राई कर सकते हो। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। तो कैसा लग रहा है आपको? आई होप कि पसंद आया हो। तो प्लीज लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और इतने छोटे बालों में मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा बन लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है
चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो हेयर स्टाइल है वो मैं बनाऊंगी ये वाले फ्लैट क्लिप की मदद से, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस क्लिप की मदद से। आई होप कि क्लियर दिख रहा हो ये क्लिप आपको, इस तरीके का क्लिप है। आपको जैसे अपना फ्रंट से हेयर का लुक रखना है वो आपकी चॉइस है, मैं बस बैक बैक का बन बता दे रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से कॉम कर लिया है मैंने एंड एक रबड़ बैंड लूँगी और रबड़ बैंड को लगा लूँगी इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली अपने बालों को इस तरीके से रखना है। ओके, या फिर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लूज करके पोनी का सारा हेयर नीचे की तरफ इस तरीके से निकाल देंगे एंड इसको टाइट कर लेंगे अगेन। अब आपका जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा और यूनिक सा दिखेगा। अब आपको हेयर को ऊपर की तरफ से लेके जाना है और यहाँ पे आपको अपना जो क्लिप लिया हुआ है आपने वो कुछ इस तरीके से हेयर को रखते हुए क्लिप को यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे। ओके, और जो हमारा नीचे का लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा। ऊपर के जो हेयर हैं उनको सिंपली आपस में इस तरीके से क्रॉस कर देंगे और यूपिन या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सिक्योर करेंगे। तो मेरे हेयर काफ़ी शॉर्ट हैं तो यहाँ पे मैं बॉबी क्लिप्स नहीं यूज कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे सॉरी यू क्लिप यूपिन नहीं यूज कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे बॉबी क्लिप ले रही हूँ। इस तरीके से बालों में लगाऊंगी और अंदर की तरफ इंसर्ट कर दूंगी। अब इस साइड के हेयर को भी ऐसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। छोटे बालों में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने इस पहले हेयर में लिया है और इसको अंदर की तरफ से इंसर्ट कर दूंगी और आप चेक कर लीजिए कि आपका जो क्लिप है वो हाइड हो गया है या नहीं। तो हाइड हो गया है मेरा और ये हमारा जो बन है उसका फाइनल लुक है। आई होप कि आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको साइड से लग रहा है कि थोड़ा सा अनमैनेज लग रहे हैं आपके हेयर तो इस तरीके से कॉम कर लीजिए और एक क्लिप ले लीजिए बॉबी क्लिप और इस तरीके से लगा दीजिए। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे और बॉबी क्लिप से अच्छे से हेयर को मैनेज कर लेंगे। और ये हमारा जो हेयर स्टाइल है वो ऑलमोस्ट डन है। वाओ, तो ये है ना बहुत ही इजी एंड स्टाइलिश सा, छोटे बालों में काफ़ी अच्छा दिखने वाला हेयर स्टाइल। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि पसंद आया हो। लेयर्स निकाल लीजिएगा, झुमके डालिएगा बड़े बड़े इस हेयर स्टाइल के साथ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की डिफरेंट एंड यूनिक हेयर स्टाइल खुद से बनाना देख सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।